तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से वर्क करती है हम इसको सीखेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, देखो हमारी शुरू से जिज्ञासा रही है, ये जानने की इच्छा रही है कि भाई कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, और ये जानने की भी इच्छा रही है कि कौन सा नॉन मेटल ज्यादा एक्टिव है। समझ में आ रहा है? मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट वाइज आपको पढ़ना जरूरी है, मेटल अपने आप में क्या होते हैं। मेटल्स जनरली लूज द इलेक्ट्रॉन एंड दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उनका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देके उसका क्या कर देते हैं, रिडक्शन। तो मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, नॉन मेटल जनरली गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बस ये इनमें एक फर्क होता है मेनली। तो हम बात कर सकते हैं कि मेटल कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ नॉन मेटल एक गैस से स्टार्ट होते हैं जनरली, और इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एन इलेक्ट्रॉन ले लिया या जो भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक्स माइनस एन बना रहे हैं। तो इनका खुद का क्या हो रहा है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शंस। और जिसमें खुद का रिडक्शन होता है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या हो रहा है, इस जगह रिडक्शंस हो रहा है, नहीं हो तो ऑक्सीडेशन रहा है, ऑक्सीडेशंस। और ये क्या है अपने आप में, मेटल क्या हो गया, रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट। तब मुझे छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर आप दो, मेटल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल, पक्का। अब उल्टी तरफ देखो, मेटल आयन क्या है अपने आप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नॉन मेटल एनायन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं मेटल रिड्यूसिंग एजेंट, और उनका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मेटल आयन का होगा रिडक्शन और दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप समझना, मेटल और मेटल आयन अलग अलग वर्क कर रहे हैं, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल आयन अलग अलग मैटर। तो जनरली बच्चों की आदत क्या होती है, मेटल को देखा नहीं, ये नहीं ध्यान दे रहे कि मेटल था या मेटल आयन था, एक जैसा वर्क ले लेते हैं। आप पहले तो मेटल और मेटल आयन में अंतर समझे। दूसरा अंतर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसका मेटल आयन उतना ही क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा होती है तो बैकवर्ड में क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। समझ में आ रही है बात, फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा हो रही है इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है तो बैकवर्ड में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी उसकी, कम। तो अगर कोई मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका मेटल आयन वीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा वीक। समझ में आ रही है बात, यही मेरे को समझाना है। तो आपको इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं आपको दो पार्ट में बताऊंगा, पहला कि कौन मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन कम है, लेकिन मेटल आयन के लिए वो चीज अपोजिट हो जाती है। तो क्लियर है?
हम एक तरह से एक केमिकल सीरीज बनाना चाहते थे जो डिसाइड करे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में? तो बस यही चीज हमारे को पढ़नी है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, आपको केमिकल सीरीज एक लिखा देता हूं एक ऑर्डर में, और बता देता हूं कि कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम है। लेकिन मेरी एक कुछ कंसेप्ट जो आप पढ़ चुके हो कि अगर कोई मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका मेटल आयन उतना ही कम रिएक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? तो ये दो पॉइंट आपको और लिखने, जो अभी हाल आपने करा है, मेटल विच हैज हाई वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सी यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हाई रिएक्टिव एंड शो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पावर, रिडक्शन पावर यानी रिडक्शन पावर उसकी इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए रिडक्शन पावर प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको विद साइन कंसीडर किया जाएगा। यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। सही है? इसी तरह से बिल्कुल सेम यही, नॉन मेटल विच है हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई रिएक्टिव एंड शो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। बिल्कुल हर वर्ड उल्टा करते चले जाओ। तो मैं लिखा देता हूं, आप लिख लो। ये दो पॉइंट अगर आपने लिख लिए तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। थर्ड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, बिल्कुल हर चीज उल्टी चलेगी। नॉन मैटर, क्योंकि जनरली नॉन मेटल ही ऐसा होते हैं, हैज हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल, हाई वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई रिएक्टिव एंड शो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पावर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पावर। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑक्सीडेशन पावर पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक बात ध्यान रखना, दोनों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और दोनों एलिमेंट का रिडक्शन नहीं हो सकता। नहीं समझ में आ रहा? ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन
नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझो, एक आपने मेटल ले लिया सोडियम और एक ले लिया पोटेशियम, क्या ये रिएक्शन होगी? क्या नहीं, नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, एक भी नहीं ले सकता। तो जब तक एक भी लेने वाला नहीं होगा, तब तक दूसरा कैसे देगा? देगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है। दूसरी तरफ एक Cl2 है, समझ रहे हैं आप? ऐसे समझ लीजिए, इसको एनायन की तरह लिख लीजिए, Na प्लस और एक K प्लस। क्या इनमें कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, लेकिन दे कोई नहीं सकता। K प्लस और देगा क्या? नहीं। Na प्लस देगा क्या? नहीं। ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं, और यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे नहीं सकते। ये एक बात है, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, यहां कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। हिंदी में लिख लो, यहां कोई भी, देयर इज नो एनी वन गेन द इलेक्ट्रॉन, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, जबकि यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। एक का लेना और एक का देना जरूरी है। आ रही है बात समझ में? इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी, भले अब इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ भी हो। तो समझ में आ गई बात? कोई डाउट नहीं है। अब आप मेरे को बताइए थर्ड पॉइंट, Na और K प्लस में, यानी एक मेटल मेटल आयन में रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती? यहां चांसेस हैं, लेकिन होगी या नहीं होगी ये एक अलग बात है। मेटल और मेटल आयन में ये दिक्कत है। अब सोडियम के अगर आपने रिएक्शन करा दिया, पहले एक बार करा के देख लो, यहां रिएक्शन होती है, आपके पास क्या बनेगा? ये Na प्लस। ये तो एक तरह से हमने एक टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन हमारे दो टेस्ट हैं इसके, स्टेबिलिटी टेस्ट भी हो रहा है। ये रिएक्शन थ्योरिटिकल तो हो रही है अभी, लेकिन एक टेस्ट और पास है, अबव रिएक्शंस इज पॉसिबल ओनली इन केस व्हेन जनरेट मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल तो हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब हमें कैसे पता चलेगा सोडियम प्लस इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम प्लस? इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहां पर मोर स्टेबल, या तो आप तरीके नॉर्मल तरीके से बात कर दो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन के मेटल आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी एंड डी ब्लॉक के, लेकिन यहां तो दिक्कत क्या है, दोनों ही एक ही ग्रुप के हो गए। तो अब आपको इस जगह तो 100% इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के वी नीड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमें जानकारी देगी कि कौन ज्यादा स्टेबल है, खासतौर पे तब जब सेम ग्रुप के हो। अगर सेम ग्रुप के नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा इजी वे में अच्छे से? बस ये हमारे खास पॉइंट्स हैं जो हमें पकड़ने हैं केमिकल सीरीज से। इसी तरह से फोर्थ, Cl2 और F2 के बीच में, रुक जाओ, इसको ऐसे समझ लो, Cl2 और सोडियम के बीच में रिएक्शन होगी। हाँ, एक देने वाला है एक लेने वाला है, तो ये तो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक देना चाहता है एक लेना चाहता है, बनने वाले प्रोडक्ट स्टेबल है, तो ये तो कोई केस नहीं बनेगा, ऑलवेज पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर।
लेकिन अगर हम फिफ्थ की बात करें, Cl2, हाफ Cl2 प्लस F माइनस, क्या F2 प्लस Cl माइनस बनेगा या नहीं बनेगा? थ्योरिटिकल तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो पॉसिबल है, एक टेस्ट पास कर लिया। लेकिन दूसरा टेस्ट क्या पास करना है कि बनने वाला आयन इससे ज्यादा स्टेबल है या नहीं है, नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये नहीं है, इसके लिए फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मेरी नॉलेज तो ये कह रही है सीएल माइनस इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल देन एफ माइनस, सो अबव रिएक्शन नॉट पॉसिबल। लेकिन आपकी नॉलेज मेरी बराबर लाने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाऊंगा। तो पहले तो ये चीज आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दो बातें बताएगी, पहला कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल है कैटायन, और दूसरा कौन सा एनायन स्टेबल है। तो इसको याद किए बगैर आप कुछ आगे नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको किस तरह से वर्क करती है और क्या बताती है, इन दोनों पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मेरे पास क्या है, बहुत सारे केटायन, बहुत सारे एनायन है, और बहुत सारे मेटल और बहुत सारे नॉन मेटल है। ये चार चीजें ही होती है, केटायन, एनायन, मेटल, मेटल आयन। मैं एलिमेंट के लिए ये सीरीज बना रहा हूँ, किसी भी केटायन या एनायन के लिए जनरली बना सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल मेटल के लिए या एलिमेंट के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने क्या कर रखा है, याद करने के लिए अपनी एक ट्रिक बना रखी है, और वो है लीपोबे स्ट्राकेसो मेगल में जिनक्रो आए लिपोबे स्ट्राकेसो मेगल में जिनको आए कैट कोनी, कैट कोनी काम रसी प्लेगो। ये हमारे पास सीरीज हो गई, लिपोबे स्ट्राकेसो मेगल में जिनको आए काम कैट कोनी काम रसी प्लेगो। ठीक है, तो आपको ये सीरीज याद रखनी है। इसमें क्या है, Li लिथियम पोटेशियम बे स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम स्ट्राकेसो सोडियम मेगल में मेगल मैग्नीशियम मेगल में जिन क्रो आए कैड कोनी काम रसी कॉपर मरकरी सिल्वर प्लेगो प्लेटिनम गोल्ड। ये मेटल्स हैं, समझ में आ रहा है? मेटल के लिए क्या डिफाइन होता है जनरली, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिए ये सीरीज इस तरह से बनाई गई है कि इस तरफ मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी एम से एम प्लस एन, कोई भी एन हो सकता है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है तो उसकी रिडक्शन पावर क्या होती है, बढ़ती है, रिडक्शन पावर बढ़ती है। तो जो मेटल इस तरफ होगा उसकी रिडक्शन पावर ज्यादा होगी, वो रिडक्शन पावर ज्यादा होगी तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इस तरह से हम इस सीरीज के दो पार्ट पढ़ रहे हैं, एक मेटल की रिडक्शन पावर और एक नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन पावर। तो लिथियम, अगर आप सोचिएगा, लिथियम अगर पोटेशियम प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके क्या बना देगा,
पोटेशियम प्लस लिथियम प्लस, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि लिथियम की रिडक्शन पावर पोटेशियम से ज्यादा है, इस तरफ से जाने पर रिडक्शन पावर क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम पोटेशियम प्लस को लिथियम के साथ रखते हैं एक्वस में, और हम चाहते हैं कि लिथियम प्लस लिथियम में रिड्यूस हो जाए, उल्टा है यहां पर, हाँ, तो क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है? हाँ। तो एक बात ध्यान रखना, हाई रिड्यूसिंग पावर एजेंट या एलिमेंट, लो रिड्यूसिंग पावर एलिमेंट के कैटायन को मेटल में रिड्यूस कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहां नोट क्या रहेगा आपके पास? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जनरली ये मेटल ही होगा, मेटल कैन रिड्यूस टू लो या वीक वर्ड अच्छा लग रहा है मुझे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट जनरली ये मेटल आयन होगा, बस खत्म बात। तो क्या ये समझ में आ गया आपको? तो एक तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो ये बता रही है कि ये हाई रिएक्टिव है और ये बहुत कम रिएक्टिव है, वेरी लेस रिएक्टिव। तो मुझे किसी ने कहा, एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेके, कि आपने जिंक को कॉपर प्लस टू में डाला तो क्या रिएक्शन होगी? बोलो हाँ या ना। जिंक को अगर कॉपर के सॉल्यूशन में डाला तो रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सॉरी इस तरह से लिखिए, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है? जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, खत्म बात। तो क्या ये समझ में आ गया? जिंक को इसमें चेंज करेंगे, क्या ये रिएक्शन होगी? हाँ। तो होगी तो किस में चेंज हो जाएगा? Zn प्लस टू प्लस कॉपर में चेंज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने कॉपर को जिंक के अंदर डाला तो क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से लिख लिया आपने, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जनरली मेटल होता है, कैन बी रिड्यूस्ड टू वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा होता है। हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, कि हमारा जो रिडक्शन पावर है, रिडक्शन पावर प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बस तो आपने क्या पढ़ा? जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, बस खत्म। और ज्यादा रिएक्टिव है तो वो किसी भी मेटल आयन को उसके मेटल में रिड्यूस कर देगा, सीधा सा है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी मेटल होता है, कैन रिड्यूस टू वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वही है जिसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन पावर उसी की ज्यादा है जिसका सार, इसको बोल सकते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ठीक है, उसका एसओपी ज्यादा हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर।
जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा, उसका रिडक्शन पावर ज्यादा होगा। तो ये आपने लिख लिया है मेटल्स के लिए। तो इस पे न्यूमेरिकल कैसे करने हैं हमारे को, ध्यान से देखिए, हटा रहा हूं मैं। हम इसको कैसे करने जा रहे हैं एक लाइन में समझें। पहले हमारे को इस तरह का एग्जांपल दिया जाता है, मेटल ए इस तरह से दिए जा रहे हैं, ए से ए प्लस, यानी सबके ऑक्सीडेशन दिए, बी से बी प्लस, सी से सी प्लस से सी, और डी प्लस टू से डी। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बस ये वैल्यू से मतलब है। ये दी गई है 2.4, ये दी गई है 3.4, ये दी है -1.2, और ये दे रखी है +2.3। तो दोस्तों जब आपको ये दिया गया है तो इसको आप से बहुत सारे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, ऑप्शंस कुछ भी हो, और सबसे पहले सेम स्केल पे ले आओ आप। जब भी मेटल हो तो उनके क्या लेके आओगे आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके आने के लिए आपका सॉल्यूशन इस तरह से वर्क करेगा, और ऑप्शन कैसे भी बना सकते हैं, जैसे ए कैन रिड्यूस टू बी प्लस, बी कैन रिड्यूस टू ए प्लस, सी कैन रिड्यूस टू डी प्लस टू, और डी कैन रिड्यूस टू सी प्लस। कोई एक या दो स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, यानी मल्टीपल सही हो सकते हैं। तो आपको कैसे चेक करना हो, आप सॉल्यूशन करते वक्त सबको सेम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ले आओ, जब भी मेटल हो तो सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपके पास ऑल मेटल कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अब आपके पास हो जाएगा ई ए से ए प्लस, जो कि ऑलरेडी दे रखा है 2.4, बी से बी प्लस, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 3.4, ये सब स्टैंडर्ड है। तो सी से सी प्लस से सी दिया है आपने, सी से सी प्लस करना है, तो ये जो है वो 1.2, साइन चेंज हो गया, और ई नॉट डी से डी प्लस टू, तो ये हो जाएगा -2.3। समझ में आ रहा है, तो ये सब एक ही स्टैंडर्ड पे लिया है। अब किसका सबसे ज्यादा है इसमें, ई यानी बी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत आसानी से आप बोल सकते हो, सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर सी और फिर डी। अगर आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाल लिया तो आपके पास बहुत आसान है, ए और बी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बी ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या ये सही होगा, नहीं। दूसरी तरफ बी कैन रिड्यूस टू ए प्लस, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कह जिसको रिड्यूस कर देगा। सी सी और डी में कौन ज्यादा है, सी ज्यादा है, और डी और सी में कौन ज्यादा है, सी ज्यादा है, तो डी तो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, बी एंड सी। तो आपको बहुत आसानी से करना है कि सभी मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक साथ निकाल के सीधा कर दो, कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो दूसरे को फटाफट रिड्यूस कर देगा, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लिखें इसको। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा है, या हम क्या कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं, कि मेटल के केस में सबसे पहले देखो मेटल है या नॉन मेटल है। मेटल मेटल में आप क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी, इसका मतलब हो गया ई नॉट
नॉट स्टैंडर्ड हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कोई भी आयन, ये निकालेंगे। फिर उसके बाद निकालेंगे हाई वैल्यू ऑफ एसओपी शो मोर रिएक्टिविटी ऑफ मैटर, और फिर उसके बाद निकालेंगे मोर रिएक्टिव मैटर कैन रिड्यूस्ड टू अदर मेटल आयन, अदर मेटल आयन। बस ये चार्ट अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको एसओपी नहीं दिया गया है, आपको एसआरपी दिया है यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो एसआरपी का साइन चेंज कर दो, एसओपी बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहां अगर आप इस अप्रोच से करेंगे, नंबर पहले मेटल देखेंगे, मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल है तो ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, नॉन मेटल है तो हम इसका अपोजिट देखेंगे। नॉन मेटल है तो क्या देखेंगे, जनरली नॉन मेटल क्या करते हैं, एनायन बनाते हैं, तो हम उनके एनायन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, और वो एनायन बनाते हैं तो ई नॉट, जैसे एनायन बनाते हैं कोई भी मेटल है एक्स टू एक्स माइनस बना रहा है, ठीक है। फिर उसके लिए बाद हाई वैल्यू ऑफ एसओपी शो मोर रिएक्टिव, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगा वो रहेगा मोर रिएक्टिव नॉन मेटल ऑक्सीडाइज्ड टू अदर नॉन मेटल एनायन, सो इजी। और एक बात ध्यान रखना, एक मैट हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, मेटल और दूसरे का मेटल कैटायन, या नॉन मेटल और दूसरे का नॉन मेटल एनायन। अगर कभी ऐसी रिएक्शन है कि मेटल और नॉन मेटल है तो वो तो स्पॉन्टेनियस होनी है, उसमें कोई दिक्कत है भी नहीं, खत्म। तो ज्यादातर दिक्कत नॉन मेटल टू नॉन मेटल एनायन, मेटल टू मेटल कैटायन की बात आती है हमारे लिए, और जहां ये दोनों बातें आती है वहां ये दोनों कंसेप्ट आपके लग जाएंगे। तो लिखें इसको, यहां एसआरपी लिखेंगे, हाई वैल्यू ऑफ एसआरपी शो मोर रिएक्टिव ऑफ नॉन मेटल, पूरा लिख लो, रिएक्टिविटी। अब अच्छे से समझ लीजिए इसको, तो नॉन मेटल के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे क्या रहेगा, जैसे मैंने मेटल के लिए लिखा है लिपोबे स्ट्राकेसो मेगल में जिनको आए कैटकोनी कामरसी प्लेगो प्लेगो, तो वैसे ही इसके लिए भी हमारे को नॉन मेटल के लिए लिखना है, नॉन मेटल सबसे ज्यादा है एफ टू। नॉन मेटल के लिए हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो सबसे ज्यादा किसके लिए, एफ टू। फिर ओ एच माइनस, जनरली हम इससे भी पहले एक और ले लेते हैं, सल्फेट एस ओ फोर माइनस टू, मेन मेन आयन ले रहे हैं हम, एन ओ थ्री माइनस, और हमारे पास आ जाएगा ओ एच माइनस जो कि ओ टू लिबरेट करता है, ओ एच माइनस को एक तरह से ओ माइनस टू भी देख सकते हैं हम, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस आई टू, बी आर माइनस नहीं दिस, और यहां ओ टू ले लो, ये हमारे पास है दिस, क्या है ये, इस तरफ जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, रिएक्टिविटी बढ़ती है,
इंक्रीज होती है और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो अब आप समझ सकते हैं F2 मोर रिएक्टिव। आज अगर F2 को मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा, वाटर में OH माइनस है ही, तो क्या ये O2 गैस प्लस HF बनाएगा या नहीं बनाएगा? बोलो बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा। क्यों? क्योंकि F2 ज्यादा रिएक्टिव है O2 से। लेकिन यही अगर Cl2 प्लस H2O में लेता हूं तो क्या HCl बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि O2 को Cl2 रिप्लेस नहीं कर सकता। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं कर पाएगा। इसी तरह से मैं Br2 को HCl में रिएक्शन करता हूं और Cl2 बन रहा है HBr, क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि Cl2 ज्यादा रिएक्टिव है, Br2 कम है। लेकिन यही Br2 HI के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, बोलो कुछ कुछ समझ में आ रहा है? बस यही समझना है आपको। कुछ और रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, बताऊं? देखो लिखते जाओ पहले तो इनको। तो देखिए, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड मेरे से डिस्कस किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही चाहिए। अब एक और पॉइंट आ रहा है, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस आ रही है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट सेल एक्सेट्रा। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लो। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी एलिमेंट को उसके कैटायन से मेटल में लाना या एनायन से नॉन मेटल में लाना, जनरली एनायन नॉन मेटल होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे तो एक तरह से डेफिनेशन क्या होगी? डिस्चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन इन द, कैटायन क्या बनाएगा? मेटल सॉलिड, एंड जनरली एनायन क्या बनाएगा? नॉन मेटल गैस। डिस्चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन इन द मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यहां एक वर्ड और डाल सकते थे, डिस्चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन इन द मेटल एंड नॉन मेटल बाय बाय इलेक्ट्रिक करंट। हमें करंट बाहर से देना होगा और फिर हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि आपके पास जो भी मेटल है वो मेटल मेटल आयन मेटल में डिस्चार्ज हो जाएगा और मेटल सॉरी नॉन मेटल एनायन नॉन मेटल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जनरली ऐसा देखा जाता है। तो ये तो हमारे पास हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जिस डिवाइस में होता है उसको बोल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइट सेल। तो जिस डिवाइस में हो रहा है उस डिवाइस में इस तरह से हम बनाते हैं कि ये हमारे पास कंटेनर है, ये हमारे पास रॉड या प्लेट है, ये दूसरी रॉड या प्लेट है, और इसके लिए आपको एनोड और इसके लिए आपको कैथोड दिया जा रहा है। जो प्लस होता है वो एनोड होता है और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, एनोड ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है जगह। गैल्वेनिक में ये नेगेटिव होता है। कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शंस। और ये क्या होता है? नेगेटिव। तो एक तरह से अगर कोई सिर्फ आपने Na प्लस ले रखा है आयन और Cl माइनस ले रखा है, तो Na प्लस कहाँ जाएगा? नेगेटिव की तरफ, और Cl माइनस कहाँ जाएगा? दिस पॉजिटिव। तो Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Na प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na में। ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सेल।
अब बात क्या आती है, यदि एक से ज्यादा केटायन हो या एक से ज्यादा एनायन हो तो पहले कौन डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, पहला तो आ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, और तीसरा हमारे पास पॉइंट आ रहा है प्रायरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी प्रायरिटी ऑर्डर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयंस। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयंस की बात करें, सिंपल सा है, इलेक्ट्रोलिसिस आपको करना है, आयंस की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे देखेंगे, तो ये दोनों के लिए अलग रहेगा। पहले बात करते हैं मेटल के लिए, फॉर मेटल आयंस, तो जो मेटल आयन स्टेबल होगा, जो मेटल आयन स्टेबल होगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, कम वाले का पहले होगा। तो मेटल आयन्स में हमारे पास क्या होंगे, ये कैटायन ही होते हैं जनरली, मेटल्स कैटायन, लेस स्टेबल कैटायन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट फर्स्ट। और कौन स्टेबल होगा कौन नहीं होगा ये हमें पहले ही पता चल जाता है कि स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है। तो जो मेटल आयन स्टेबल है, जैसे लिथियम प्लस आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा मुश्किल होगा, और जो कम जैसे कॉपर प्लस टू आसानी से इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो आसानी से अगर हम बात करें मेटल, और ये मेटल आयन, ये इसकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एम प्लस टू या एम प्लस कुछ भी मान लो, एम प्लस एन इज प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी ऑफ एम, और रिएक्टिविटी ऑफ एम किसके प्रोपोर्शनल है, रिएक्टिविटी ऑफ दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा ये कन्वर्ट होगा इसमें बस, और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब बहुत आसानी से बोल सकते हो, इंडिविजुअली डिस्चार्ज करते वक्त जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो डिस्चार्ज नहीं होगा, जिसका कम होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो आप क्या बोलोगे, लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल डिस्चार्ज फर्स्ट, बस ये आपने लिखा मेटल आयन्स के लिए। तो अगर आपके पास तीन मेटल आयन है, लिथियम प्लस, पोटेशियम प्लस, जिंक प्लस टू, तीन की जगह कॉपर ले ले, तो सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा, कॉपर सबसे पहले डिस्चार्ज होगा फर्स्ट, फिर सेकंड पे कौन होगा, जिंक प्लस टू, फिर पोटेशियम प्लस, और सबसे बाद में होगा लिथियम प्लस। लिख लिया? तो क्या आपको ये समझ में आ गया, लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल डिस्चार्ज फर्स्ट, और इसमें सबसे कम किसका है, कॉपर का है, तो कॉपर सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज ऑर्डर, बस खत्म बात। तो डिस्चार्ज पहले कौन होगा, दिस कॉपर, लिखें इसको। दूसरी तरफ अगर हम मेटल आयंस की जगह नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल आयन, और ये कौन होंगे, एनायन। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, नॉन मेटल एनायन कैसे डिस्चार्ज होते हैं, एक्स माइनस हाफ एक्स टू में चेंज होते हैं, सही है? तो यहां हमारे पास ये हो जाएगा, एनायन को हमें कन्वर्ट करना है, तो यहां बोलेंगे लेस रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड नॉन मेटल डिस्चार्ज फर्स्ट, डिस्चार्ज फर्स्ट। तो आप जानते हो
रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है? ऑर्डर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, SO4-2 का, फिर NO3 का, फिर उसके बाद किसका आता है? OH-, फिर Cl-, फिर Br-। ये इस तरह से लेते हैं। तो कुल मिला के हमारे को ये चीजें तो पता चल जाएगी कि कौन सा है। यहाँ हमारे पास O2 लिखना पड़ेगा, O2 के लिए। तो एक तरह से कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होगा? डिस्चार्ज आयन पहले कौन होगा? Br- सबसे पहले, फिर Cl-, फिर OH-, फिर NO3-, और फिर हमारे पास सबसे लास्ट में कौन होगा? F-। ये हमारे पास हो जाएगा डिस्चार्ज ऑर्डर ऑफ आयंस। कहीं कोई दिक्कत? डिस्चार्ज ऑर्डर ऑफ आयंस आपने इस कंसेप्ट से निकाल लिया, हाँ या ना? तो एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर आपके पास सारे कैटायन है और सारे एनायन है, ये सारे हैं, तो सबसे पहले कैथोड पर कौन निकलेगा? कैथोड पे हमेशा कौन निकलता है? कैटायन। तो सबसे पहले कैथोड पे कौन निकलेगा? आई थिंक ये सारे हैं, तो Cu+2 सबसे पहले निकलेगा कैथोड पर। और सबसे पहले एनोड पर कौन निकलेगा? Br2। फिर जब Br2 पूरा खत्म हो जाएगा, कॉपर भी खत्म हो जाएगा, तब कैथोड पे पहले कौन निकलेगा? जिंक। और एनोड पर कौन निकल रहा होगा उस वक्त? Cl-, ऐसे Cl2 की फॉर्म में। Cl- नहीं निकलता, Cl2 की फॉर्म में निकल रहा होता है। तो कुछ समझ में आया आपको? तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया है आपका। तो हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले फ्यूज NaCl। फ्यूज NaCl का मतलब सिर्फ और सिर्फ NaCl को गर्म करके लिक्विड कर दिया गया बिना पानी मिलाए। अगर किसी भी सॉलिड को बिना पानी मिलाए आप लिक्विड में लाना चाहते हैं, तो उसे गर्म करना पड़ेगा। यानी फ्यूज का मतलब हॉट NaCl, इतना हॉट कि वो लिक्विफाइड हो गया। इस जगह अगर एनोड की बात करेंगे, पहले ये बताओ कैटायन कौन है यहाँ पर? फ्यूज NaCl में कैटायन कौन है? Na+, और एनायन कौन है? Cl-। तो ये है एनोड और ये है कैथोड। तो ये तो इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा। तो यहां कौन सी गैस निकल रही होगी? Cl2। और यहां कौन सा मेटल कलेक्ट होगा? Na। सही है, पहला केस समझ में आ गया। दूसरा केस, सेकंड, एक्वस NaCl। अगर एक्वस NaCl की बात करें, तो वही हमारे पास मेटल। अब हमारे पास एक्वास है, तो Na+ भी है और H+ भी है, ये इस तरफ जाएंगे, और Cl- भी है और OH- भी है, ये इस तरफ जाएंगे। तो यहां कौन सी गैस निकलेगी? Cl2, क्योंकि Cl पहले डिस्चार्ज होगा। और यहां कौन सी गैस निकलेगी? H2, सोडियम नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या रह जाएगा? NaOH। Na बचा रहेगा और OH बचा रहेगा, NaOH। यानी pH इस जगह क्या होगी? बढ़ेगी, pH बढ़ेगी, और POH कम होगी। मीडियम कैसा रहेगा? एल्कली। हाँ बेटा, pH बढ़ती है एक बेसिक मीडियम में। NaOH है तो pH 14 के पास पास आएगी, तो pH धीरे धीरे 7 से बढ़कर क्या चल जाएगी, और OH क्या हो जाएगी? कम। ठीक है ना? और अगर हम डाइल्यूट ले लें, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट NaCl ले लेंगे, तो यही चीज है, लेकिन Cl बहुत कम है, Na बहुत कम है। तो Na कितना ही कम हो, खैर निकलेगी तो H2। तो बताइए यहां कैथोड पर कौन सी गैस निकलेगी? इस जगह
और एनोड पर कौन सी निकलेगी? जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाता है ना बेटा, तो अब Cl माइनस तो बहुत कम है और OH माइनस बहुत ज्यादा है, तो यहां पर O2 गैस निकलने लग जाएगी, और यहां तो अभी भी H2 ही निकलेगी। बहुत बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने पे हो सकता है थोड़ा बहुत सोडियम डिस्पर्स हो जाए, लेकिन बेस्ट तो आपके लिए O2 एंड H2 निकलेगी, ठीक है? वेरी डाइल्यूट लिखा हुआ है तो NaCl। अब आ गई बात समझ में? तो ये आपने तीन केसेस कर लिए जो कि बहुत जरूरी थे। फोर्थ केस, अगर आप ये आपके पास है और ये आपके पास है, फोर्थ केस है डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4, अब आपके पास कौन है? एक तो है H प्लस, सिर्फ H प्लस ही है, वाटर भी यही देगा एक्वस, और कौन सा है? OH माइनस, और क्या है? SO4-2, तो ये नेगेटिव आयन इधर जाएंगे, तो कौन सी गैस निकलेगी? O2 गैस निकलेगी इस जगह, और इस जगह कौन सी गैस निकलेगी? H2। सल्फेट बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने पर भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, जबकि क्लोराइड आयन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने पर डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा, यानी कि OH का और क्लोरीन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जबकि OH का और SO4-2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो डाइल्यूट करने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? तो ये हमारे पास चार अलग अलग केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। लिखो।